नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में, जहां पे आज निगम द्वारा, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा निगम शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन 5 सितंबर को होना था, लेकिन जैसा आप सभी को पता है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के देहांत के बाद देश में राष्ट्रीय शोक था, लेकिन निगम ने कोरोना के काल में भी अपने शिक्षकों को आज सम्मानित किया। कुल 32 शिक्षकों को आज सम्मानित किया गया। हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और के निगम पार्षद और शिक्षा समिति के नव निर्वाचित अध्यक्ष मुकेश सूर्यान जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये सारा ड्राइव जो है वो किया गया। मुकेश जी, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद मुकेश जी। 32 शिक्षकों को आपने सम्मानित किया कोरोना के काल में। इस वक्त ये छोटा आयोजन भी बहुत बड़ा आयोजन है। पहले इस आयोजन के बारे में ब्रीफ से हमारी जनता को बताएं। जी देखिए, बेसिकली वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये शिक्षक अवार्ड है हमारा, पूरे साल में एक बार होता है। किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी नहीं बनी थी कि इसको हम कर पाएँ, लेकिन हमने ठाना, हमारी टीम ने चुना कि नहीं, हम इसको करेंगे। शिक्षकों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो देंगे। ये शिक्षक भगवान का रूप है और साल में एक बार ये अवार्ड फंक्शन होता है। जो शिक्षक पूरे साल काम करता है, मेहनत करता है, तो उसको अधिकार देने के लिए एक प्रोग्राम किया गया। शिक्षक को उसका अधिकार मिलना चाहिए। निगम कुछ ड्राइव्स चला रहा है, जैसे एडमिशन ड्राइव है, इसके बारे में भी लोगों को बताएं, क्योंकि निगम दिल्ली की वो बॉडी है जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है और निगम के स्कूल्स जो हैं वो प्राइमरी एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर भी प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कितना पीछे हैं आप और कितना टाइम लगेगा मेकअप करने में कि आप एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर सकें निगम के स्कूलों का? नहीं, हम कहीं भी पीछे नहीं। पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, हम एक चीज़ में पीछे, हमारा प्रचार और प्रसार कम होता है। हमारे पास ऐड का बजट नहीं है, हमारे पास टाइम निगम में फंडिंग का इशू है बिकॉज ऑफ दिल्ली सरकार। बट हम लोग आज भी, हमारे पास 480 स्कूलों की बिल्डिंग है जिसमें 581 स्कूल चलते हैं, उसमें से 463 में स्मार्ट क्लास चल रही हैं। कोरोना काल के अंदर मैक्सिमम जो इनरोलमेंट हुआ वो निगम ने किया है और वो भी नर्सरी में किया है, प्राइमरी में नर्सरी में किया है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो मॉडर्न स्कूल्स हैं, उनके लोग हमारे पास बच्चे आ रहे हैं आज की डेट में। हमारा टीचर हर तरह से एलिजिबल है, सारे टेस्ट पास करके आता है, हमारे पास अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन हमारे पास प्रचार करने का माध्यम, जो अखबारों में, कुछ लोग अखबारों के माध्यम से दिल्ली चलाना चाहते हैं। आज अगर दिल्ली का लिटरेचर एज नंबर 2 रैंक आया है तो वो श्रेय भी निगम को जाता है, निगम के अध्यापक को जाता है। आज अगर बेसिक एजुकेशन मजबूत नहीं होगी तो आपका लिटरेचर बढ़ नहीं सकता। तो लिटरेसी अगर बढ़ा है तो प्राइमरी एजुकेशन से बढ़ता है और नर्सरी से बढ़ता है, तो आज वो भी श्रेय टीचर्स को जाता है। और कोरोना काल के में जो इन शिक्षकों ने काम किया, दिल्ली को रेड जोन से निकाला, वो श्रेय भी इनको जाता है। लेकिन फिर भी इनको तनख्वाह नहीं मिल रही, बड़ी समस्या तो ये है। तनख्वाह इनको इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि नगर निगम बढ़ चढ़ के आ गया है। आज नगर निगम हर तरह से अव्वल है हर चीज़ में। नगर निगम की जो टेक्नोलॉजी, जो लोग हम जना रहे, जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हमारे साथ में लगे हुए हैं, जो हमारे पास थीम है, उसको दिल्ली सरकार नहीं ले सकती। हमने वर्चुअल मेगा पीटीएम की, उसको हमने करके दिखा दिया। लेकिन अगर कहते हैं कि किसी आदमी को कमज़ोर करना तो उसको फाइनेंशियली कमज़ोर कर दिया जाए, हमारा फाइनेंस रोक के दिल्ली सरकार हमें कमज़ोर करना चाहती है। बट हम लोग कोई ना कोई वे निकाल रहे हैं और अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम कुछ और नहीं मांग रहे हैं उनसे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। उनके पास 15,000 करोड़ का बजट है शिक्षा को लेके, हम 1500 करोड़ मांग रहे हैं कि हमें शिक्षा में 1500 करोड़ दे दीजिए, फिर आप कंपैरिजन करें। आपने पूरे 5 साल में 2 स्कूल बना के आप मॉडल स्कूल की बात कर रहे हैं, हमारे पास हर स्कूल मॉडल स्कूल है। मुकेश सूर्यान जी, हर स्कूल मॉडल स्कूल है। कोरोना काल के अंदर जो एजुकेशन है वो चरमरा गई है, स्कूल्स के खुलने के फिलहाल आसार हमें दिख नहीं आ रहे, तो किस तरीके से निगम जो है इस पूरे साल की आगे प्लानिंग कर रहा है? हम अभी वर्चुअल कर रहे हैं, 34% से हम 54% चले गए हैं। और हम सबको, क्योंकि हमारे पास अभी तक तो परसेप्शन ये था कि हम लोग गरीब का बच्चा पढ़ाते हैं, लेकिन परसेप्शन हमने चेंज किया कि हम गरीब का नहीं, हम अमीर का बच्चा भी पढ़ा रहे हैं। हमारे पास, हम सबको एक पंक्ति में ला रहे हैं, सब आदमी हमारे पास, जो किसी भी सेगमेंट से बच्चा आता है, हम उस सबको पढ़ाने को तैयार हैं। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की रणनीति पर हम लोग चल रहे हैं। हमारे साथ राजदत्त गहलोत जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे निगम की शिक्षा नीतियों के ऊपर। सबसे पहले जो आर्च का कार्यक्रम आपने करवाया, इसकी जो प्लानिंग थी और एग्जीक्यूशन था, उसके बारे में जनता को बताएं। देखिए, हर वर्ष 5 सितंबर को ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और वो क्यों मनाया जाता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो एक देश के ऐसे शिक्षक हुए हैं जिनसे हमारे भारतवर्ष के सभी शिक्षक प्रेरणा लेते हैं। तो उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम लोग ये आज का 5 तारीख को मनाना था, लेकिन कोरोना काल में व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार से हुई
और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जी का निधन हुआ, उस कारण से लेट हुआ। और शिक्षा एक अध्यापक, उसको प्रोत्साहित करना, क्योंकि प्राइमरी में एक अध्यापक द्वारा एक अध्याय की शुरुआत की जाती है। एक बहुत छोटे बच्चे को शिक्षा देना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला, इसलिए आज इन शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हुए हमारे शिक्षा समिति के चेयरमैन मुकेश सुरियान जी ने और हमारे राज्यसभा से सांसद अरुण जी और पश्चिमी दिल्ली से सांसद परवेश साहिब सिंह जी ने आकर के सभी को, शिक्षक को कभी आशीर्वाद नहीं दिया जाता, सिर्फ उनको प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने आकर के इनको प्रोत्साहित किया और प्राइमरी जो शिक्षा है वो एक देश की, मैं कहूँगा पूरी दुनिया की नींव है, और उस नींव को डालने वाले ये शिक्षक हैं, तो इनको गुरु का दर्जा दिया है। और गुरु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हमारे शिक्षक, उनको आज सम्मान दिया गया, जिससे मैं खुद बहुत हर्षित हूँ और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमें आज उनको ये कार्य करने का मौका मिला। राजदत्त जी, कोरोना काल में जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा गया है, ऐसे में जो नए बच्चे आपके पास एडमिशन ले रहे हैं या जो बच्चे पुराने पढ़ रहे हैं, उनको किस तरीके से नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लेके आएंगे आप? देखिए, हमारे चेयरमैन साहब ने पहली बार ऐसे कोरोना काल में वर्चुअल एक मीटिंग ली, उसी प्रकार से ऑनलाइन जो है हमारे टीचर्स, यही अध्यापक जिनको आज पुरस्कार दिए गए हैं, यही इतनी मेहनत करके, एक तो इन्होंने बहुत सारे 80,000 के करीब एडमिशन करे, और उन बच्चों को जो पहले से हैं फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक, उनको ऑनलाइन ये पढ़ा रहे हैं, और जिसका बहुत अच्छा एक रिजल्ट हमारे सामने आया। क्योंकि बहुत सारे इस कोरोना काल में हमारे बिजनेस अफेक्टेड हुए हैं, तो जिससे हमारे पब्लिक स्कूल के बच्चे आज, मैं बहुत इस बात के लिए चेयरमैन साहब को और अपने अध्यापकों को बधाई दूंगा कि पब्लिक स्कूल से बच्चे आज हमारे निगम के स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजदत्त जी। दिल्ली का ये सिविक सेंटर आज एक इतिहास का गवाह बना है, जहां पे 32 ऐसे शिक्षकों को कोरोना काल में पुरस्कृत किया गया है जिन्होंने शिक्षा जब सबसे दुर्लभ हो रही थी उस वक्त भी अपना हौसला नहीं खोया और लगातार देश की अगली पीढ़ी को शिक्षित करते रहे। कैमरामैन आकाश के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, नेशन लाइव।